Hello friends, welcome to another video from the Indian Freelancer YouTube channel. My name is Dan. आज इस वीडियो में मैं फिर से अपना फ़ोन को लेके बात करने वाला हूँ। कभी कभी फ़ोन में आपको ऐसा मैसेज मिलता है जो बोलता है कि स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, तो ऐसे में आप कैसे अपना फ़ोन को फ्री अप कर सकते हो, फ़ोन का मेमोरीज फ्री अप कर सकते हो और ज़्यादा स्टोरेज स्पेस ला सकते हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे कुछ डेटाबेसेस बनते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, एंड हाउ यू कैन डिलीट दोज डेटाबेसेस टू फ्री अप सम स्पेस ऑन योर फ़ोन। आज भी वैसा ही कुछ मैं दिखाऊंगा इस फ़ोन में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोज वेरी रेगुलरली, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में ये सब मैसेज आया है, व्हिच सेज स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, सिस्टम फंक्शंस मे नॉट वर्क, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम अपना जो क्लीनर है वहाँ पे उसको खोल सकते हैं, खोल के देख सकते हैं कितना ट्रैश फाइल्स हैं हमारे पास। अभी आप देख सकते हो 31 MB का है, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस क्लीनअप एंड क्लीनअप दोज फाइल्स। ये फाइल्स एक्चुअली टेम्पररी फाइल्स होते हैं जो कि बन जाते हैं ऑटोमेटिकली जब आप अपना ऐप फ़ोन में कोई ऐप चलाते हो, ये सब ऑन करते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बनता है। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी देख सकते हो कि ये क्लीनर के बाद एक डीप क्लीन का ऑप्शन आता है। ये मेरे हाथ में जो फ़ोन है वो है रेडमी का 7A फ़ोन, ठीक है। तो रेडमी का जो MIUI है वो फ़ोन आपके पास होगा, तो आपको बस ऐसा ही कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन में। अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो ऑप्शंस थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, लेकिन होंगे वो सेम ही, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको डीप क्लीन में जाना है, डीप क्लीन करके अपना जो यूज स्पेस है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। तो आज भी हम डीप क्लीन में जाएंगे। यहाँ पे विल क्लिक ऑन स्कैन। स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फोटोज़ हैं 6.73 MB के टोटल, तो फोटोज़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एड्स है, ये सब तो ऐप्स हैं 684 MB के ऐप्स हैं। तो ऐप्स मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर सकता, मतलब अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, ये ऐप्स जो हैं वो मेरे काम के ऐप्स हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है बिग फाइल्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सब बिग फाइल्स। ये बिग फाइल्स बैकग्राउंड में बनते रहते हैं कभी कभी, जो कि हमको हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ते, ठीक है। जैसे ये पहला फाइल है MIUI ब्लॉक, ये लास्ट टाइम जो हमने अपडेट किया था, जो OS अपडेट किया था उसका फाइल है, वो अभी भी यहाँ पे जमा हुआ है, सो यू कैन डिलीट दोस। यहाँ पे मैं बिग फाइल में टच किया तो ये सारे जो बिग फाइल्स हैं वहाँ पे दिखाने लग गए, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं msgstore.db, इसी को लेके मैंने पिछला वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कैसे आप ये सब डिलीट कर सकते हो, ये हमको नहीं चाहिए। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस MIUI ब्लॉक फाइल, जो मैंने बताया लास्ट टाइम जब मैंने जो अपडेट किया था OS उसका फाइल है, जिसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एंड आई क्लिक ऑन डिलीट सिलेक्टेड फाइल्स। 349 MB का यहाँ पे मुझे स्पेस मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। सो क्लिक ऑन ओके टू कंफर्म, तो वो फाइल डिलीट हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट, अब आप अगर स्क्रॉल डाउन करते हो आपको कुछ ऐसे फाइल्स मिलेंगे व्हाट्सएप, और उसमें कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ रहता है, ये बहुत लंबा नाम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फाइल्स आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे करके, लाइक 14 MB 15 MB का बहुत सारे आपको फाइल्स मिल जाएंगे। वो सारे फाइल्स जो है वो व्हाट्सएप ने अपने बैकग्राउंड में बनाए होते हैं, और वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ता नॉर्मली व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए या फिर आपका फ़ोन यूज़ करने के लिए। तो आप बहुत ही आसानी से इन सारे फाइल्स को डिलीट कर सकते हो विदाउट हैम्परिंग एनी ऑफ योर फंक्शनलिटी ऑफ योर व्हाट्सएप ऐप, ठीक है। तो मैं हर एक जो फाइल है यहाँ पे वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसी फाइल है और ज़्यादा स्पेस नहीं है, लाइक 11 MB 10 MB का फाइल है, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो टोटल 244 MB का मुझे यहाँ पे मिल रहा है टोटल फ्री स्पेस, ठीक है। चल जस्ट क्लिक ऑन डिलीट सिलेक्टेड फाइल्स एंड आई कंफर्म, ये क्लीनिंग हो रहा है और ये क्लीन हो चुका है। करने के बाद और एक ऐड आ गया, MI के ये बहुत सारा एड्स आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐप वॉल्ट है फ्रॉम SD कार्ड, ये भी एक APK है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया था, विच आई डोंट नीड राइट नाउ, आई कैन डिलीट दैट एज वेल, लेकिन अब के लिए मैं रखने देता हूँ। एंड दिस MSGStore डेटाबेसेस पुराने जो हैं वो मैं डिलीट कर दूंगा, ये व्हाट्सएप वाला फाइल है वो भी मैं डिलीट कर दूंगा, दिस थिंग्स आई डू नॉट नीड, ठीक है।
सो क्लिक ऑन डिलीट सिलेक्टेड फाइल्स 80 MB का। तो मैंने लगभग अभी 600 MB का जो अनवांटेड फाइल्स थे वो मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से वो मैसेज अब हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने फ़ोन से अनवांटेड फाइल्स डिलीट कर सकते हो और अपने फ़ोन का जो यूज स्पेस है उसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ गिव मी लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं ऐसे एक वीडियो लेके फिर वापस आऊँगा। तब तक टेक केयर। दिस टाइम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।